नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पांडे, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। नाउ हाल ही में क्या हुआ है कि पहले तो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला के मोहम्मद मिजीउ पावर में आ गए और उसके बाद में अब यही काम बांग्लादेश में हो रहा है। हालांकि जनवरी में जो इलेक्शन हुआ उसको लेकर बहुत सारे कंट्रीज ने आरोप लगाया बांग्लादेश के ऊपर कि आपने फेयर इलेक्शन नहीं कराया, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन नहीं करवाया, इस वजह से आप जीत गए। जो अवामी लीग पार्टी है जिसकी नेता शेख हसीना है वो प्राइम मिनिस्टर है 2009 से, और उसके बाद से ये माना जाता है कि उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं कराया है, खुद ही पावर में बने रहने के लिए उन्होंने घोटाले करवाए हैं ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। ऐसे में क्या हुआ है कि इंडिया का नाम घसीटा जा रहा है इसमें और इंडिया आउट कैंपेन चलाया जा रहा है, इंडिया के प्रोडक्ट को बायकॉट किया जा रहा है बांग्लादेश में। देखो ये न्यूज लगातार 2-3 हफ्तों से चल रही है, जब से जनवरी में इलेक्शन हुआ उसके बाद से ही ये बात लगातार आ रही है कि इंडिया ने सपोर्ट भी किया है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना के इस काले करतूत में। अब देखो इंडिया के पास में मजबूरी है कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है और बहुत सारे और इस्लामिक पार्टीज हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं रहती हैं, वो अपने आप को एज अ बांग्लादेश नहीं देखती हैं बल्कि आज भी एज अ ईस्ट पाकिस्तान देखती हैं। इस वजह से वो इंडिया के साथ में अपने रिलेशन अच्छा नहीं रखना चाहती, इसी की वजह से इंडिया को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ता है शेख हसीना को। इवन दो कि जब अमेरिका ने प्रेशर डाला कि आपने डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन नहीं करवाया है बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर, तो इंडिया ने अमेरिका से भी कहा कि आप इस मामले को ज्यादा एस्केलेट मत करो। ये रिपोर्ट थी, मतलब इंडिया सपोर्ट कर रहा था शेख हसीना को इस लेवल पर कि अमेरिका को भी चुप करा रहा था। साथ ही साथ में ऐसे आरोप कनाडा ने भी लगाया है, यूरोपियन कंट्रीज ने भी लगाया है। लेकिन देखो, और कनाडा वगैरह की बात तो ज्यादा मायने रखती नहीं, लेकिन अमेरिका की बात ज्यादा मायने रखती थी, उसमें इंडिया ने हस्तक्षेप कर दिया कि नहीं आप ऐसे एलिगेशन ना लगाओ। और जब जनवरी में इलेक्शन हुआ और शेख हसीना जीती तो सबसे पहले इंडिया ने ही कांग्रेचुलेशन किया था शेख हसीना को, तो इस वजह से इंडिया ने यह मान्यता दे दी थी कि आपका इलेक्शन फेयर हुआ है और आप प्राइम मिनिस्टर फिर से बन गई। देखो शेख हसीना जब पावर में रहती है तब इंडिया के साथ में रिलेशन बांग्लादेश के अच्छे रहते हैं, जब अपोजिशन पार्टी आ जाती है तो इंडिया से रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहते, वो चाइना के ज्यादा फेवर में। हालांकि शेख हसीना के भी रिलेशन चाइना के साथ में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं क्योंकि चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसे इंडिया इन सब बातों पे चुप रहता है कि आपके वहां डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ या नहीं, इसी तरह से चाइना भी चुप रहता है। यही कारण है कि चाइना के साथ भी अब शेख हसीना को रिलेशन अपने मजबूत करने पड़ रहे हैं और चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट भी करता जा रहा है। कहने का मतलब है कि अब वहां पे क्या है कि इंडिया के प्रोडक्ट बायकॉट किया जा रहे हैं स्टोर्स वगैरह में, ये आइडिया लिया गया है मालदीव से, क्योंकि उस टाइम पे जो मालदीव की अपोजिशन पार्टी थी उसने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और उसके बाद में अब वो पार्टी पावर में आ गई और मोहम्मद मिजू जो है वो प्रेसिडेंट बन गए, तो इन लोगों को लग रहा है कि बांग्लादेश में ये काम करेगा। देखो बांग्लादेश में ये काम कर सकता है ये हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इसका अल्टीमेटली नुकसान बांग्लादेश को ही होगा, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सेटबैक होगा। और दूसरी बात क्या है कि इंडिया भी अगर बांग्लादेश आउट कैंपेन चला देगी तो बांग्लादेश कहां जाएगा, बांग्लादेश के सारे काम इंडिया की वजह से ही होते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही देश थे और बांग्लादेश 71 में अलग हुआ, उसके बाद में उसकी इकोनॉमी अच्छी और पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं, उसके पीछे मेन रीजन ये है कि बांग्लादेश के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे रहे और पाकिस्तान के नहीं रहे। बड़ी कंट्री के साथ में अगर आप दुश्मनी करोगे तो उसका आपको प्राइस पे करना ही पड़ेगा। इंडिया ने भी बांग्लादेश आउट कैंपेन चला दिया तो जितने बांग्लादेशी इंडिया में उनको तो बाहर जाना पड़ेगा। और वैसे भी भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो 2024 का जनरल इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, उससे पहले ही CAA लगा दिया जाएगा पूरे देश में। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम है और 31 दिसंबर 2014 के बाद या पहले आए थे और इलीगल तरीके से आए थे, उनको अपनी नागरिकता खोनी पड़ेगी और उसके बाद में उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा कि आपने घुसपैठिए का काम किया है। क्योंकि ये माना जाता है CAA के हिसाब से कि जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां से मुस्लिम इंडिया में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ में वहां तो डिस्क्रिमिनेशन हो नहीं रहा है, और जो अन्य किसी भी रिलीजन के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं क्योंकि उनके साथ में वहां पे अत्याचार होता है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में, तो वो यहां आ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर कोई अत्याचार वहां नहीं हो रहा। ये एक नोटिफिकेशन CAA देश का कानून है, इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा और चुनाव से पहले के बाद पहले ही होगा, चुनाव के पहले ही CAA को अमल में आना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन रखना नहीं है। इस बात को लेकर बांग्लादेश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक और मुद्दा मिल जाएगा कि देखो इंडिया मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दे रहा है, ओबियसली जो रोहिंग्यास हैं जो म्यांमार से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर सीधा इंडिया, तो ये सब मुद्दा लेकर वो लोग इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं। सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे ये तो फ्यूचर की बात है, और ये इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं लगातार ऐसे रिलेशन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि अभी तो शेख हसीना पावर में, अगली बार नहीं रही पावर में, और प्रेजेंट टाइम की जो अपोजिशन पार्टी है पावर में आ गई तो इंडिया के साथ में रिलेशन वैसे होंगे जैसे कि मालदीव के साथ में प्रेजेंट है।